हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डायना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लेकिन सिंपल लड़की थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सुनैना और पापा डेविड रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है और अपने कॉलेज पहुंचती है, जहां सारे लड़के लड़कियां उसे घूर रहे होते हैं और बोलते हैं, वाह यार क्या आइटम है, कितनी सिंपल और गॉर्जियस लग रही है। अबे हाँ यार देख कितनी क्यूट लग रही है। हमसे ज्यादा सुंदर लग रही है, जरूर ज्यादा ही मेकअप पोत के आई होगी। हाँ यार तभी तो सारे लड़के मर रहे हैं इस पर। उन दोनों लड़कियों की ये बात डायना सुन लेती है और कहती है, ओ जस्ट शट अप ओके, जितना तुम दोनों ने मेकअप लगाया है ना, मैंने उसका पाव भर भी नहीं लगा रखा, समझी तुम। अच्छा इतना ही दम है तो फेस को टिश्यू पेपर से साफ करके दिखा। चैलेंज एक्सेप्टेड, और तुम्हें भी यही करके दिखाना पड़ेगा। ओके मंजूर है। ओके भाई लड़कियों का चैलेंज होने वाला है, अरे भाई मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। तभी उन लड़कियों के कहने पर डायना अपने फेस को टिश्यू पेपर से साफ करती है, जिसके बाद टिश्यू पेपर पर सिर्फ और सिर्फ उसके लिपस्टिक के निशान ही दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं। इस सब के बाद डायना उन लड़कियों को उनका मेकअप हटाने को बोलती है, जिस पर वो लड़कियां थोड़ी डर जाती है, लेकिन सभी लड़के चिल्ला चिल्ला कर उन्हें फोर्स करते हुए उनसे भी टिश्यू पेपर पर उनका मेकअप उतरवाते हैं, जिसके बाद उन लड़कियों की असली सूरत सभी के सामने आ जाती है। और क्योंकि वो बिना मेकअप के दिखती है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियाँ उन पर हंसने लगते हैं। देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे चैलेंज मत करो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा मेकअप खराब हो गया। जाओ जाकर दोबारा मेकअप कर लो, क्योंकि मेरे जैसी नेचुरल ब्यूटी ना तुम्हें रोज रोज टक्कर देगी। डायना इतना कहकर अपनी क्लास में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन भी डायना अपने कॉलेज आती है और उसकी हील्स स्लिप हो जाती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों पर गिर ही रही होती है कि लवदीप नाम का लड़का लास्ट में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और लवदीप की आंखें उस पर से हटती ही नहीं है, जिस पर वो बोलता है, वाओ सो सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, अब मेरा हाथ छोड़ोगे या साथ ही ले जाओगे? उप्स सॉरी। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी क्योंकि आज ही फर्स्ट डे आया हूँ। ओह ओके, कौन से बैच में हो? बीकॉम के। ओह दैट्स ग्रेट, कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं भी सेम बैच में हूँ। ओके आप नाम तो बता दो। मायसेल्फ डायना। नाइस नेम, एंड माय नेम इज लवदीप। वक्त बीतता जाता है, कॉलेज के प्रोजेक्ट साथ में बनाते समय दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन डायना बहुत सारी लाइब्रेरी की बुक्स हाथ में लेकर चल रही होती है, जिसके कारण उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती। तभी लवदीप वहाँ आता है और डायना को देखकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद दोनों बुक्स रखने लाइब्रेरी जाते हैं और लवदीप बोलता है, एक बात पूछूं तुमसे, तुम इतनी सुंदर नेचुरली हो या मेकअप लगाया है? अरे नहीं पागल, मैं कुछ नहीं लगाती, कभी कभी तो मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती, रोज के पेटल लगाने से ही मेरे लिप्स पिंक हो जाते हैं। बाय द वे आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। कुछ देर के बाद दोनों एक सिनेमा हॉल से मूवी देखकर निकलते हैं और फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं कि डायना लवदीप के नोज पर आइसक्रीम लगा देती है और जोरों से हंसते हुए कहती है, अरे अरे लवदीप तुम्हारी नोज देखो, एकदम जोकर लग रहे हो। अच्छा जी और तुम कब लगोगी? अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लवदीप के बच्चे, अभी बताती हूँ तुम्हें। अभी कहाँ हुए मेरे बच्चे, तुम करोगी जब ही तो होंगे। क्या बोल रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ डायन, सॉरी मेरा मतलब डायना, आई लव यू सो मच, पहले दिन से ही मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। रियली आई लव यू टू। ओए पागल कहाँ खो गए, अपने फ्यूचर के बच्चों के बारे में तो नहीं सोच रहे? इस सब के बाद वो दोनों क्लब जाते हैं, जहाँ दोनों एक साथ मिलकर कपल डांस करते हैं। उसी वक्त लवदीप उसके कानों के पास आकर रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर डायना भी हाँ बोल देती है। इतना सब होने के बाद लवदीप उसे रिंग पहनाता है। समय गुजरता जाता है और दोनों अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनसे शादी की मंजूरी ले लेते हैं।
दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलती हैं। दूसरी तरफ डायना के हाथों में लवदीप के नाम की मेहंदी भी लग जाती है। शादी का टाइम जब डायना को उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे सजाने के लिए आती है तो वो उससे बोलती है, जी सुनिए, मेरा बहुत लाइट सा मेकअप करना, सिर्फ जितने की जरूरत हो उतना ही, और ज्वेलरी भी मुझे बहुत लाइट से पहनाना। you know, मुझे हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके मैम। मेकअप आर्टिस्ट उसे उसी के मुताबिक तैयार कर देती है, जिसके बाद उसकी मम्मी जब उसे देखने आती है तो बोलती है, बेटा ये क्या, तूने ये सारे गहने क्यों नहीं पहने? माँ, मैं आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है, मेरे दामाद जी भी तुझे निहारते रह जाएंगे। क्या माँ, हाँ बिना। इतना बोलकर सुनैना अपनी बेटी को मंडप पर ले जाती है, जहाँ लवदीप उसे निहारता ही रह जाता है और उसके पास में खड़ा हुआ दोस्त उसका मुंह बंद कर देता है। और कुछ ही देर के बाद पंडित जी उनकी शादी के मंत्र पढ़ते हैं और शादी विधि विधान से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद लोग डायना को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी सादगी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और लोग उसकी बहुत तारीफें करते हैं, जिससे लवदीप की माँ बबीता बहुत ही खुश हो जाती है। धीरे धीरे डायना अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो तीनों किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में जाकर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी एक सांवली सी लड़की मीना, जिसके हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे होती है, वो जा रही होती है, तो दूसरी तरफ एक गोरी सी लड़की कॉल पर बातें करते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो ड्रिंक्स की ट्रे उस लड़की के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस गोरी लड़की की ड्रेस पूरी तरह से खराब होती है और वो उस सांवली लड़की को सुनाना शुरू कर देती है। हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी? सॉरी मैडम जी, वो आप ही आ गई आगे गलती से। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम मुझे सिखाओगे कि गलती किसकी है और किसकी नहीं? तुम गरीब सांवली सी शक्ल वाली लड़कियों की यही दिक्कत होती है। नहीं, तुम गलत बोल रही हो, मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा खुद का ध्यान तो था नहीं, अपना तो तुम फोन चलाने में लगी हुई थी और कसूर इस बिचारी का निकाल रही हो। अरे उसने जो बोला ना सच बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है। Who the hell are you? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ऐसा है पापा की परी कि मुंह पर 4 किलो लगाने से ना ये छिपकली जैसी शक्ल लेके ना अपने मेकअप के पंखों से तुम उड़ नहीं पाओगी। पार्टी में मौजूद सभी लोग उस हैवी मेकअप वाली लड़की पर हंसने लगते हैं और ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे पैसों का मेकअप लगाया है क्या जो तुम उड़ रही हो? तुमसे तो कम ही लगाया है। लिसन, मैं मेकअप का एम भी नहीं लगाती, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है जिसकी तुम्हें पहचान नहीं है। और रही बात मीना के सांवलेपन की, तो उसकी स्किन ढक देने से वो सुंदर तो लगने लगेगी एक बार को मेकअप करके, लेकिन जब मेकअप हटेगा तो सबके सामने तो उसकी असलियत आ ही जाएगी ना। इसीलिए कहती हूँ कि आप जैसे हो खुद को वैसे स्वीकार करना सीखो, अरे अपने आप से प्यार करो, समझे? शी इज सिंपल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि खूबसूरती हमेशा सादगी में ही होती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग डायना की बातों को सुनकर उसकी तारीफें करते हैं और एक बार फिर से बबीता भी अपनी बहू की तारीफें करती है और सब अच्छे से पार्टी एंजॉय करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल बट ब्यूटीफुल लड़की की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।